News 18, India. में जारी सियासी घटनाक्रम का असर अब दिल्ली में भी साफ देखा जा सकता है। चिराग पासवान ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है और पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी है। चिराग से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा और फिर अमित शाह के बीच में बैठक हुई है। वहीं अब खबर ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जेपी नड्डा और चिराग पासवान आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ ही विशेष विमान से पटना जाएंगे, जिसकी जानकारी अभी आपको न्यूज 18 इंडिया ने दी। 1:45 का वो समय बताया जा रहा है जब वो यहां से उड़ान भरेंगे। 7 लोग और उनके साथ मौजूद होंगे। तो ये भी जानकारी है कि चिराग पासवान भी उन्हीं के साथ आ रहे हैं। अमित, एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लगती हुई, क्योंकि पहले ही चंद्रमोहन और अरुण ने जानकारी दी थी कि शपथ ग्रहण 3 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। 1:45 पर उड़ान भरने का मतलब यह है कि उसके बाद अब फाइनल अनाउंसमेंट की बारी आ जाएगी। जी बिल्कुल, और उनका ये पहुंचना इस बात की ओर इशारा करता है या फिर साबित करता है कि बीजेपी के जो एजेंडे है उसी के मुताबिक इस सरकार का गठन होगा। पहली चीज, जिससे पहले भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम में सेवा नगर में दिल्ली के इलाके में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के सुनने का उनका प्रोग्राम है वो प्रस्तावित है। उसके बाद वो जाएंगे पटना, मतलब कि पूरी बात हो चुकी है, एक एजेंडा सेट हो चुका है। बस उस एजेंडे को कैसे पालन करना है, बीजेपी की शेष नेतृत्व की मौजूदगी उस जगह पर ये बात को उनकी उपयुक्ता तरीके से उनको संदेश देगी कि आप हमारे एजेंडे को ठीक तरीके से आपको फॉलो करिए। जी, और देखिए, इस बीच बिहार में सियासी घमासान के बीच विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। खबर है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हो चुके हैं। वो इस गठबंधन के सूत्रधार थे और उनके अलग होने से अब ये गठबंधन टूट चुका है। तो जिस गठबंधन में सभी विपक्षी दल साथ में आए थे कि यहाँ पर 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हम मुकाबला करेंगे, लेकिन यह एकजुटता उस चुनाव तक भी नहीं दिख रही है। उसके पहले ही बिखराव यहाँ देखने को मिल रहा है। और नीतीश कुमार, जो कि इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार कहे जा रहे थे, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी सभी विपक्षी दलों को एक साथ करने में, अब वो इंडी गठबंधन से अलग हो गए। क्योंकि जाहिर तौर पर बिहार में आज वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए बड़ी खबर जो है वो मिल रही है, और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, वही सवाल कि 24 में मुकाबला करना था, एकजुटता दिखाई थी सभी विपक्षी दलों ने कि मोदी का मुकाबला करेंगे, बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन ये तो चुनाव तक, जब चुनाव का महीना आएगा तब तक तो लगता है ये गठबंधन बचेगा भी नहीं, जिस तरीके से सभी नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो अभी हालात हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि अब जो इंडी गठबंधन है उसमें शायद चंद ही पार्टियां बच गई हैं, चंद ही लोग बच गए हैं, और यही वो पहला जगह है, बिहार ही ऐसा जगह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां रहते हैं, एक अन्य मार्ग में पहली बैठक हुई थी जिसमें तमाम मोदी विरोधी नेता और मोदी विरोधी पार्टियां यहां पर पहुंची थी। और 2024 में नरेंद्र मोदी का कैसे विरोध किया जा सके, कैसे उनका मुकाबला किया जा सके, इसको लेकर रणनीति बनाने की तैयारी थी। और उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई उसमें भी यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आज आलम यह है कि अब इस इंडी गठबंधन में शायद ही कोई ऐसी पार्टियां हैं जो अब रह गई हैं। कांग्रेस सिर्फ अकेली ऐसी पार्टियां हैं जिसमें राहुल गांधी अब देश भर में यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे और बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। जो इंडी गठबंधन के सूत्रधार थे वही नहीं रहे, तो अब इंडी गठबंधन का आलम क्या है ये महज अंदाजा लगाया जा सकता है। और आगे 2024 में क्या नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला करने वाला सामने है, इसका भी महज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब एक तरह से कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, टूट चुका है, और अब जो उसके सूत्रधार थे जिनका ये कहा जा रहा था कि अब ये आगे सबको जोड़कर चल सकते हैं वही नहीं रहे, तो शायद इंडी गठबंधन की अब कल्पना नहीं की जा सकती।